everyone, assalamualaikum, good morning आप सबको। और आज का दिन आ गया है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था और मुझे ऑफ कोर्स खास तौर पे बहुत सारा इंतजार था। एंड आज है सॉन्ग लॉन्च, उसके लिए मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई, एक्साइटमेंट ना किसी और लेवल पर थी, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी तो मुझे नींद नहीं आई। बट अब मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ, थोड़ा सा सोई और अब मैं जा रही हूँ सैलून। तो लेट्स गो विद गाइस, आई एम ऑन द वे और मामा तो बिल्कुल रेडी शेडी हुई भी है और नींद में हो रही। मामा को बहुत नींद आई थी, मामा एक्साइटेड भी बहुत है ना। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और हमारा सैलून जो है वो आ चुका है और आज मैं अपने फेवरेट सैलून में तैयार हो रही हूँ। दादा मुझे सर दर्द हो रहा है ना इस वक्त, धूप भी बहुत है आज, बट ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मेकअप बाय वजी पर। वजी ने मेरा जो ब्राइडल शूट किया था वो इतना प्यारा था, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने बोला कि वाई नॉट वजी को ही सिलेक्ट किया जाए, तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने वजी को सिलेक्ट किया। एक बार फिर मैं वजी के पास आ गई अपना मेकअप करवाने। हाय, कैसा लगा दोबारा देख के? बहुत अच्छा। अब आपके जहन में क्रिएटिविटी आ रही होगी कि किस तरह का मेकअप करना है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अब देखते हैं कि किस तरह का आज मेकअप होता है। स्टे ट्यून। सो गाइस, माय मेकअप इज डन और मैं आप लोगों को फ्लैश ऑन करके दिखा दूँ कि मेरा मेकअप कितना ज्यादा प्यारा लगा। बहुत प्यारा मेकअप किया है जब भी मैं यहाँ आई थी, मैं ये बहुत अच्छा करेंगे, जैसा मैं कहूँगी बिल्कुल वैसा ही। खैर, अब हमारा लंच जो है वो आ चुका है। लंच ये हमारा लंच आ चुका है, मेरे फेवरेट नगेट्स। मतलब मैं इतना सारा ये जंक फूड खा के मोटी हो जाऊँगी, सारी डाइटिंग सतिया नाश हो जाऊंगी। चले हम, आप तो खाएँ। सब मेरा हेयर स्टाइल बनना स्टार्ट हो चुका है। सेकेंडली, अब मैंने जो ड्रेस पहना है वो है ईस्टर्न। एक्चुअली मैंने सोचा हुआ था वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी, मैंने बॉडीकॉन बहुत ही प्यार सा मंगवाया हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि लोकेशन जो है वो देश परदेश है और देश परदेश यहाँ का वो रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। वो मतलब पूरी लोकेशन बहुत ज़्यादा देसी टाइप है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार बॉडीकॉन बहुत अजीब लगेगा, वो मैं नहीं पहनती। तो इसलिए मैंने बहुत अर्जेंट में महा से ड्रेस मंगवाया और महा ने अपनी चॉइस का ड्रेस मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि ये बहुत डिसेंट लगेगा लोकेशन के हिसाब से भी, और वैसे भी मैं पहन तो लिया है। अब मुझे घबराहट से डर लग रही, पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज़ द ड्रेस गाइस, बहुत ही प्यारा एलिगेंट सा है ड्रेस, लेकिन अच्छा लग रहा है, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो बस ओके, आई डोंट केयर कि कोई सेटिस्फाई है क्या नहीं, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरा ड्रेस हमें जो मैंने सोचा कि मेरे को ठीक लगा क्या नहीं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पहले ड्रेस की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं ज्वेलरी पहनूं क्या नहीं पहनूं। खैर, मैंने डिसाइड किया मैं ज्वेलरी नहीं पहनती, अब बाल बन जाएंगे तो फिर देखते हैं ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है क्या नहीं, बट मैं नहीं पहनूंगी। अब जहाँ तक ये बात मेहंदी की है, तो मेहंदी तो भाई मेरे चाचू की शादी थी, तो मैंने इसलिए मैंने सोचा फिंगर्स लगवा ले, तो गाने में तो अभी टाइम है। अचानक से न्यूज़ मिलती है कि गाना 26 को रिलीज़ हो रहा है, एंड आई वाज लाइक यार क्या मसला है, मेहंदी भी नहीं छुटाई थी मैंने। बट खैर, वो शुक्र मेरे पास ड्रेस था, बट ये थोड़ी ना पता था कि ड्रेस वो नहीं पहनना। खैर, सब कुछ हो गया साथ खैरियत से, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो गाइस, फाइनली हम लोग वेन्यू पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा सॉन्ग लॉन्च होने वाला है, एंड अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है, बिकॉज मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड।
मामा की भी बहुत फैन है आज रवि का तभी हम लॉन्च करते हैं सॉन्ग को और ये सिंगल क्योंकि ये रविका के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है. इन्होंने बड़ी मेहनत की और मेरे ख्याल में और वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमने बिल्कुल भी वीडियो नहीं दिखाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई. हमने कहा था जब लॉन्च होगा तब तुम देखना कि तुम कैसी लग रही हो और तुमने कैसा काम किया. तो मेरे ख्याल में लोगों ने पूरा दिन रात के 3 o'clock तक इस पे काम किया और बहुत खूबसूरत लगे भैया. चले जी देखते हैं. सॉन्ग लॉन्च हुआ है. मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मैं बहुत ज्यादा अच्छी लग रही. सबने वहां पे मेरी बहुत तारीफ की और जो म्यूजिक वीडियो में मैं लगी हूँ ना मतलब वाओ यार क्या बात है. सब बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं तो मुझे बड़ा मजा आया. मैं सॉन्ग के कमेंट्स भी पढ़ूंगी. मैं देखूंगी कि लोगों ने मुझे क्या फीडबैक दिया है. मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आएगा. म्यूजिक वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी. मैं आप लोगों को पसंद आएंगी. तो इस व्लॉग को जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. Keep supporting, keep loving. Song को trending पर लेके जाना है. रबीकियंस, रबीसेनियंस, आप सब में support system हो. और मुझे यकीन है कि जब आप लोग हो तो फिर मुझे टेंशन किस बात की. सो अब देखते हैं सबकी पावर. सो टेक केयर, बाय बाय. जी इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इन्वॉल्व था हम सबका. रबीका का स्पेशली जुनान भाई, जुनान भाई इज द डायरेक्टर. उन्होंने बहुत मेहनत की इस सॉन्ग के लिए और ऑसम जुनान भाई. वुड यू लाइक टू से समथिंग? ऑडियो मत करना. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. और दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे थे. इज सिंगर एज वेल. सो गाना इन्होंने बहुत अच्छा गाया. रबीका की एक्टिंग बहुत अच्छी थी.